आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। सेवा मार्ग संस्था द्वारा ताजनगरी के प्रत्येक गली मोहल्लों में कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता अभियान चलाने के उद्देश्य से लगातार एक प्रचार वाहन 10 अप्रैल से चलाया जा रहा है। देश ही नहीं पूरे विश्व में कोरोना वायरस का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर बात करें ताजनगरी की तो यहाँ भी हालात कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन जिस तरह की हालात हैं अस्पतालों में अभी भी बेड की किल्लत बनी हुई है, ऑक्सीजन प्लांट्स पे ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो काफ़ी ऐसे मुनाफाखोर लोग हैं जो इस संकट की घड़ी में भी अवसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं या कहीं ना कहीं कालाबाजारी की ओर जोर है। ऐसे में भी कई सामाजिक संस्थाएं हैं जो लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है, उनके बीच में मास्क और सैनिटाइजर का मुफ्त वितरण कर रही है। इस समय साथ मौजूद है अमित जैन, जो कि एक समाज सेवी हैं और एक संस्था से जुड़े हुए हैं और लगातार कोविड संकट के बीच लोगों जगह जगह चौराहे चौराहे जाकर न सिर्फ लोगों को जागरूक कर रहे हैं बल्कि लोगों को मास्क और सैनिटाइजर की अहमियत बताते हुए मास्क और सैनिटाइजर का वितरण भी कर रहे हैं। आइए जानते हैं अमित जी से क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है। ये हम लोग बस्तियों में जाके डेली मास्क और सैनिटाइजर्स का वितरण कर रहे हैं और कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अमित जी, प्रतिदिन का कब से ये आपका काम चल रहा है और कब तक आप बांटेंगे? ये एक महीने से रेगुलर चल रहा है, हम लोगों ने 10 अप्रैल से स्टार्ट कर दिया था और ये अभी फ़िलहाल रेगुलर चलेगा। इसमें हम लोग डेली 100-150 लोगों को सैनिटाइजर्स और 400-500 लोगों को मास्क का वितरण कर रहे हैं। आपका रूट प्लान क्या है? रूट प्लान कहाँ कहाँ आप जाते हैं? हम लोग लोहा मंडी, सागंज, नायकी मंडी, अशोकनगर, आवास विकास, बोदला, मारुति स्टेट, जयपुर हाउस, ये सब एरिया कवर कर रहे हैं। तो अगर बात करें जो छोटी बस्तियां हैं जब आप लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो COVID-19 प्रोटोकॉल है उसका भी उल्लंघन होता हुआ लोग एक साथ? हम लोग इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन ना हो। अगर बात करें प्रतिदिन जो बांटते हैं आप, कितने एरिया आप कवर कर रहे हैं? अगर आज की बात करें, आज कौन कौन से एरिया कवर करेंगे? आज हम लोगों ने अशोकनगर, पचकुइयाँ, सागंज, आपका लोहा मंडी चौराहा, जयपुर हाउस, सिरकी मंडी और रुई की मंडी चौराहा और आसपास की बस्तियों को कवर कर रहे हैं। अब तक कितना सैनिटाइजर्स की बोतल मास्क का वितरण कर चुके हैं आप? अब तक हम लोग 4,000 सैनिटाइजर्स और 10,000 से ज़्यादा मास्क का वितरण कर चुके हैं। संस्था का नाम क्या है, कितने लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं? इस संस्था का नाम है सेवा मार्ग, ये दिल्ली की एक संस्था है और इसमें हमारा डॉक्टर वीना लवानिया जी हैं जो उसका पूरा निर्देशन वही कर रही हैं, उन्हीं के पूरे सहयोग से वो हो रहा है। क्या ये अभियान केवल आगरा में चल रहा है या कहीं और भी चल रहा है? अभी ये आगरा में ही चल रहा है। कब तक ये अभियान चलेगा और इसको? अभी फिलहाल ये अभियान रेगुलर चलेगा, जब तक कोरोना का असर कम नहीं हो जाता जब तक लगातार चलता रहेगा ये अभियान। आप लोग किस तरह की सावधानियां बरत रहे हैं और कितनी टीम आप लोगों के यहाँ आगरा में काम कर रही है? हम लोगों के 10 से 15 लोगों की टीम काम कर रही है, लगातार लोगों को मास्क का वितरण और जहाँ ऑक्सीजन की कमी है ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना, लोगों को ट्रीटमेंट दिलवाना, हॉस्पिटलाइज कराना, सब चीज़ देख रही है। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी अमित जैन, जो कि एक बहुत बड़ी संस्था है सेवा मार्ग, जिससे जुड़े हुए हैं और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये सैनिटाइजर मास्क उपलब्ध करा रहे हैं और साथ ही जो लोग अवेयर नहीं हैं अभी तक मास्क और सैनिटाइजर से, उनको सामाजिक दूरी और मास्क और सैनिटाइजर महत्व भी समझाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कराने के साथ साथ जो गंभीर मरीज हैं उनको अस्पतालों में भर्ती कराने का काम भी अमित जैन द्वारा किया जा रहा है। अपने साथी अनुप बघेल के साथ अनिल कुमार सिंह, सी न्यूज़ आगरा।